गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संतुलन के लिए इस संसार में हर जीव का अपना एक संसार है। अपने संसार के संतुलन को बनाने के लिए जीव अपने पूरे प्रयास करता रहता है। ऐसे ही सब जीवों का मिलकर के एक संसार है और उसकी एक शक्ति है। गृहस्थ जीवन की शक्ति ब्रह्मचर्य का पालन है। गृहस्थ जीवन की शक्ति ब्रह्मचर्य जीवन की शक्ति है। ये एक सर्व उपयोगी, सर्व सुलभ और सबको लाभदायक और उपयोगी साधना है। शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टियों से यह हितकर है। संतुलन को बनाने के लिए शारीरिक और मानसिक, उसके लिए यह बहुत आवश्यक है। जो जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक ब्रह्मचारी रह सके, उसके लिए वो सबसे अच्छा है। बाल्यावस्था के बाद ब्रह्मचारी का जीवन शुरू होता है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जो अपने मन को वश में रख सके, वो उतना जितने समय तक रख सके, कोई कमजोरी उसके ऊपर काम ना कर सके, वो ब्रह्मचारी है। मानसिक शक्ति की प्रधानता है, ब्रह्मचर्य में मानसिक शक्ति की प्रधानता है। जो वासनाओं में भटकता रहे और शरीर को हठपूर्वक संयम में ना रखे, तो ऐसे व्यक्ति को लाभ की जगह हानि होती है। ऐसा कोई बिरला व्यक्ति ही संसार में होगा जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर सका होगा। बस इतना कहा गया है, जो अधिक इसका पालन कर ले, वो उतना ही फायदे में रहेगा। जो विकार पैदा हुए, जहां संयम टूटे, विकार पैदा हुए, उनका विनाश करिए। प्राण तत्व से अपने संतुलन को बनाइए। जो कमियां रही,
उनके संतुलन को बनाइए। प्राणायाम शारीरिक काम सेवन से जितनी हानि तन की होती है, मन की हानि उससे कई गुनी ज्यादा होती है। मानसिक संतुलन को जागृत करिए। अपनी इंद्रियों को अपने काबू में करिए। मानसिक विषय, मानसिक चिंतन जो उत्तेजना पैदा करते हैं, यदि तृप्त ना हो तो कुचले हुए सर्प के फन की तरह से जो सर्प की स्थिति होती है, संतुलन को बनाइए। जिस तरह से सर्प का फन दबा दिया जाए, वो जैसे ही फन को बचा करके निकलता है तो जो दबाता है या जो सामने आता है उसी को डस लेता है, आक्रमण करता है। मानसिक वासनाएं कुचली जाने पर सुप्त मन से किसी कोने में एक बड़ा घाव पैदा करती हैं। उससे भयानक शारीरिक या मानसिक रोगों को उत्पन्न करने की शक्ति पैदा होती है। पागलपन, मूर्छा, मिर्गी, उन्माद, नाड़ी संस्थान का विक्षेप अर्थात नसों का निष्क्रिय होना, अनिद्रा, कायरता, ये दुर्गुण के कारण बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। स्थिरता, मन में स्थिरता आपके मन में स्थिरता आए
उसी का परिणाम है। अगर स्थिरता आ गई तो वासनाओं का जाना निश्चित है। जिसका मन किन्हीं उत्तम विचारों में निमग्न रहता है, विषयों की तरफ जिसका ध्यान नहीं जाता, तुरंत ही अरुचि घृणापूर्वक इसको नहीं हटाया जा सकता। ब्रह्मचारी कभी भटकता नहीं है, ब्रह्मचारी कभी भटकता नहीं है। चित्त पर काबू रखता है, प्राणायाम शक्ति का स्रोत पानी के प्रवाह की तरह से आपके अंदर है। गहरी लंबी सांस, मन को स्थिर, बहाव को रोकिए। जल जैसा जो बहाव विचार का चल रहा है उस पर स्थिरता, पानी रुकेगा, स्तर उठेगा। आपका स्तर उठेगा शक्ति के भंडार को अर्जित करें। उत्तेजना पैदा होगी तो बंधन रूपी जो दीवार है वो टूट जाएगी। और अपने लिए नया मार्ग खोजेगी।
भाव में स्थिरता, मार्ग को बंद रखिए, जागरूक रहिए, चेतना कहीं से भी फूट करके निकलने ना पाए। स्थिरता, नया मार्ग, खतरनाक मार्ग, मन को ना चुनने दें, हानिकारक सिद्ध होगा। चित्त की स्थिरता, अशांति का कोई कारण नहीं। ये मानसिक तृष्णा से, मानसिक वासना से अतृप्ति पैदा हुई है, मानसिक उद्वेग जो बहुत घातक है उसने दिया है। विषयाशक्ति ज्वाला से भरे हुए जीवन तत्व को भीतर ही भीतर जला भून करके नष्ट कर देती है। भूल नहीं करना, हम अपने जीवन को, ग्रस्त जीवन को विवाहित जीवन बना करके और अच्छा बनाने का प्रयास के लिए दाम्पत्य जीवन को बनाया गया है। इसके लाभों की कोई गणना नहीं है, अनंत है।
अपने जीवन की तुलना करिए, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना में अपने आप को समर्थ ना कर पावे, वो मानसिक वासना को काबू में नहीं रख सकता। ब्रह्मचर्य की साधना, अपने आप पर काबू करें, नियंत्रित करें अपने आप को, बैलेंस बनाएं। बार बार प्राण तत्व से निष्प्राण अपने जीवन को जागृत करें। मानसिक वृत्तियों में कमजोर ना रहें, अस्थिरता का कारण यही है। गृहस्थ जीवन का उद्देश्य यही है। शादी करना गृहस्थ जीवन का उद्देश्य नहीं है, मानसिक वृत्तियों को काबू करना, वरना तो इंसान भी दूसरे पशुओं की तरह से अपने जीवन को जी लिया करता। मर्यादाएं, संयम जो गृहस्थ जीवन में
आने के बाद उस पर लगे हैं उनका उद्देश्य यही है। आत्मा को ऊंचा उठाना है, परमात्मा तक ले जाना है। पुनीत आध्यात्मिक साधना अंतःकरण की भीतरी स्थिति से संबंध रखती है। बाह्य जीवन से कोई संबंध नहीं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी आत्म साधना द्वारा ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, उम्र के साथ नहीं। उम्र का जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता। संयम से होता है। काबू करें अपने पर। बहुत कम आदमी ही हैं जो लक्ष्य को पकड़ते हैं, जीवन के लक्ष्य को पकड़ते हैं। ये सोचना ठीक नहीं है कि गृहस्थ जीवन में बद करके आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। आत्मिक उन्नति का मार्ग गृहस्थ जीवन ही है।
आत्मा को ऊंचा उठाना है, परमात्मा तक ले जाना है। पुनीत आत्मिक साधना अंतःकरण की स्थिति से संबंध रखती है। बाह्य जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है, अंतःकरण से है। घर के अंदर रहने वाले प्राणी शरीर से नहीं, आत्मिक भाव से जुड़ते हैं। तभी योग हो पाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्वी अपनी कुटिया बना करके और कुटिया में एक वातावरण को पैदा करते थे। दूर दूर से बस्तियों से वहां पर सदग्रस्त जाते थे। और ट्रेनिंग लेकर के अपनी साधना को पक्का करके आते थे। अंतर्मुखी हो, अपनी ही नहीं समाज की भी व्यवस्था बनाते थे। भगवान के मंदिर में भगवान की जितनी भी फोटो लगी हुई हैं,
उनमें केवल कटी वस्त्र ही प्रधान होता था और सब मूर्तियों में वहीं तक आज प्रधान वहीं तक होता है। अपने जीवन को ढालिए, उसी रूप में अपने जीवन को ढालिए। नकल नहीं, वेशभूषा नहीं, पहनावा, रहन सहन सब में परिवर्तन। अज्ञानता के विचारों को हटाइए, मूढ़ विश्वासों ने बहुत भारी उलझन पैदा कर दी है। आंतरिक चेतना की गति साथ साथ चलें। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अच्छी सोच, पवित्र सोच उसको पैदा करें। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं, उतारिए गंदगी को। आज की बात संपन्न।